छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत सरगुजा संभाग के जशपुर जिले के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री रायपुर हेलीपैड से रवाना होकर सीधे जशपुर जिले के कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पमशाला पहुंचे। जैसे ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हेलीकॉप्टर से उतरे, वहां के आमजन और पदाधिकारियों ने उनका आत्मिक स्वागत किया। उसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने नदी के तट पर बसे राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विकास कार्यों की सौगातें देते हुए परसबहर पमशाला के 67 स्थानों पर देवगुड़ी के सौंदर्यीकरण के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। साथ ही हाई स्कूल, सहकारी बैंक, प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, पुलिस चौकी, तहसील कोर्ट सहित कई घोषणाएं भी की। में विद्युत विभाग के जेई कार्यालय की स्थापना और दुलदुला में अधिवक्ताओं के बार रूम के भी निर्माण और दुलदुला में हाथी प्रभावित क्षेत्र में सोलर हाई मास्ट लाइट लगाया जाएगा। कुनकुरी विधानसभा ग्राम शाला में भेंट मुलाकात करने के पश्चात अगले पड़ाव के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पतरा टोली पहुंचे। इस बीच मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के तहत आम लोगों के साथ रूबरू हुए। मौके पर सीएम ने बताया कि पिछले सरकार में पहले 7 प्रकार के लघु वन उपज की खरीद होती थी। अब छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार बनने के बाद प्रदेश में 65 प्रकार के लघु वन उपज खरीद हो रही है। तीसरे जो काम है लघु उपज, हम लोग जंगल के एरिया में तो लघु वन उपज पहले 7 प्रकार की खरीदी होती थी, 65 प्रकार की खरीद रहे हैं। अब जितना महुआ आपके लघु वन उपज है तो सबसे पहले तो आपके जशपुर से ही सैनिटाइजर जो बना जशपुर जिले से बना, जिस समय सैनिटाइजर की कमी पड़ रही थी, कोरोना आया, सैनिटाइजर की मांग हुई, मास्क की मांग हुई, हमारी जो बहने हैं मास्क भी बनाए और सैनिटाइजर बनाने का काम, महुआ सैनिटाइजर बनाने का काम सबसे पहले हुआ तो जशपुर जिले से हुआ है। अब ताली बजा सकते हैं आपके। विकास खंड फरसा बहार के पंडरी पानी की कोयला स्व सहायता समूह से मुख्यमंत्री बात करते हुए नजर आए। इस मौके पर स्व सहायता समूह की सचिव दया कुमारी ने मुख्यमंत्री को बताया कि कृषि विभाग की मदद से दाल प्रोसेसिंग मशीन प्रदान की गई है, जिसकी मदद से महिला समूह प्रोसेसिंग का कार्य कर रही हैं। प्रोसेसिंग से अब तक 25 क्विंटल दाल बेचकर 2,71,000 रुपए कमाए गए हैं। आप कौन काम करने वाली है? पंडरी पानी। और गोठान बना है क्या? बना है सर। कब बना? 20 में बना है। जी ना। अच्छा, गोबर खरीदी हो रहा है? हो रहा है सर। इतना खरीदते हैं रोज? रोज तो नहीं बता पाऊंगी, 221 क्विंटल खरीदी हुआ है सर। 221 क्विंटल। जी ना। और वर्मी कंपोस्ट बनाए? बनाए हैं सर। कितना? 50 क्विंटल बेच चुके हैं। 50 क्विंटल? 50 क्विंटल बेच चुके हैं। अच्छा, अभी और बचा है? नहीं बचा है अभी सर। अभी का लिया? वहीं छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता की सुधार कर रही है, प्रयासों के साथ साथ आगे बढ़ रही है। इसीलिए प्रदेश में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की गई है, जिसमें हजारों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चों से मुलाकात कर स्कूल की गतिविधियों का जायजा लिया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत आज दुलदुला विकास खंड के ग्राम पतरा टोली में लोगों से चर्चा की और उनसे शासकीय योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन पर फीडबैक लिया। इस बीच भेंट मुलाकात में गंभीर बीमार से ग्रसित रमा ताम्रकर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अपने बीमारी के बारे में बताया और आर्थिक मदद की अपील की। रमा की समस्या सुनकर मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए कहा कि उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उनका इलाज मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, JK24/7 न्यूज़।